अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है उर्दू टेक बाय शाज़ेब अनवर में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से किसी भी यूट्यूब वीडियो के ऊपर आप कोई भी किसी भी ज़ुबान में कैप्शंस को ऐड कर सकते हैं। ऑटो जनरेटेड कैप्शंस होंगी, आप अपनी उर्दू हिंदी वीडियोस के अंदर फ्रेंच, डच और अंग्रेज़ी ज़ुबान की कैप्शंस और सब टाइटल्स को ऐड कर सकेंगे जस्ट विद अ वन क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको लेकर चलूँगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और हम सीखेंगे इस छोटी सी 5 मिनट की वीडियो में। तो सबसे पहले ओपन करेंगे हम क्रोम ब्राउज़र और हम चलेंगे जो भी हमने पहले से कोई वीडियो अपलोड कर रखी है तो हम अपना चैनल ओपन कर लेते हैं। दूसरे चैनल पे लेकर चलता हूँ उर्दू टेक बाय शाज़ेब अनवर और इसमें हम सीधा जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। सॉरी फॉर द स्लो इंटरनेट। तो यूट्यूब स्टूडियो जो ही हमने ओपन किया, यूट्यूब स्टूडियो जो ही ओपन करेंगे तो आपने चूज़ करनी है वीडियो। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो हिंदी ज़ुबान वाले उनके लिए ये मेथड थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है और जो कि उर्दू ज़ुबान वाले उनके लिए एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा होएगा जी। तो जो ही आपको वीडियो मिलेगी, आपने जो भी वीडियो एडिट करनी है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये जो एडिट डिटेल्स वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो की सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे एडिट पैनल में आके आपने यहाँ पे जो साइड पे सबटाइटल का बटन नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हिंदी लैंग्वेज वाले उनके लिए तो ये बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ऑटो जनरेटेड हिंदी उनके पास होएगी, वहाँ पर उन्होंने क्या करना है उसको डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, जो ही वो उसको डुप्लीकेट करेंगे और पब्लिश कर लेंगे तो वो उनकी बेस लैंग्वेज उनके पास आ जाएगी। फिर वो किसी भी ज़ुबान में जो है उसको जो है ट्रांसलेट कर सकेंगे कैप्शंस की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में, लेकिन जो उर्दू वालों के लिए क्या है, उर्दू वालों ने इसको कर लेना है डाउनलोड SRT में। SRT में डाउनलोड करके आपने यहाँ पे जाना है इस वेबसाइट पे और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जाके आप इसको करेंगे अपलोड और जो ही ये अपलोड होएगा फिर आपने यहाँ से अपनी उर्दू ज़ुबान को सिलेक्ट करना है। उर्दू को सिलेक्ट करके उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो जो ही डाउनलोड होकर ये हमारे पास आएगा, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड अ लैंग्वेज और फिर हम जाएंगे उर्दू में। उर्दू में जाके ऐड सबटाइटल पे क्लिक करना है, आपको फाइल अपलोड करनी है विद टाइमिंग जो आपने ट्रांसलेट की है उसको अपलोड करके और ये पब्लिश करते हैं आप। तो ये आपकी उर्दू ज़ुबान आ गई। अब आप कोई भी ज़ुबान जो है वो ऐड करेंगे, ये ऑटो ट्रांसलेट आपको यूट्यूब ही करके दे देगा। तो हम करते हैं डच, ऐड सबटाइटल पे क्लिक करते हैं, नीचे ये बटन मेरे पास आ गया ऑटो ट्रांसलेट, इस पर क्लिक किया और पब्लिश कर दिया। इसी तरह कोई और भी ज़ुबान आपने करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ज़ुबान ले लेते हैं यहाँ से, कोरियन में करता हूँ, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया तो जो ही कोरियन में किया तो इसने ऑटो ट्रांसलेट कोरियन में कर दिया और हमने इसको पब्लिश कर दिया। इसी तरह आप अपनी वीडियो को किसी भी जो है ज़ुबान में उसकी कैप्शन और सबटाइटल को ट्रांसलेट कर सकते हैं ऑटो।
बस इसके लिए जो मेन चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमने इसमें क्या किया कि हमारी जो ज़ुबान थी वो हिंदी में कैप्शन जो ऑटो जनरेट हुई थी, हमने हिंदी को ट्रांसलेट किया उर्दू में ट्रांसलेशन वाली वेबसाइट के थ्रू, जो कि सब टाइटल और कैप्शन को ट्रांसलेट कर देती, ऑटो जनरेट कर देती, और फिर उसके बाद हमने उसको अपलोड कर दिया अपनी बेस लैंग्वेज जनरेट की। जो हिंदी बोलने वाले उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वीडियो पहले भी हिंदी में होगी, उनको बस उसको डुप्लीकेट करेंगे और एक नया कैप्शन ऐड हो जाएगा हिंदी का, फिर उसके बाद वो अपनी वीडियो को किसी भी जो है वो ज़बान में और उसका कैप्शन जो है जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उर्दू बोलने वालों को ये एक स्टेप मज़ीद करना पड़ेगा, फिर जब आपकी वीडियो अपलोड आपकी कैप्शंस अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप उसको किसी भी ज़ुबान में ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप जितनी भी ज़ुबानें गूगल और यूट्यूब सपोर्ट करते हैं, आप सबके सब ज़ुबानों में उसको ऑटो उसकी कैप्शन या सब टाइटल ऑटो जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।